हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रतिभा खिलवाड़। आप लोगों की बायोलॉजी फैकल्टी स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस पर। तो बच्चों, आज की जो हमारी रणनीति होने वाली है, हम अभी तक जो बात कर रहे थे पिछले हमारे वीडियो में, पिछले हमारे लेक्चर में, एक अंक वाले प्रश्न के ऊपर और दो अंक वाले प्रश्न के ऊपर, लेकिन आज की जो सीरीज हमारी होने वाली है वो है आपके तीन अंक वाले प्रश्नों के ऊपर, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो छत्तीसगढ़ जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है कक्षा 12वीं का, जो जीव विज्ञान में। तो जीव विज्ञान में आप कैसे 70 में 70 अंक पाने वाले हो, तो उसके लिए आपको ये पूरा लेक्चर तो है देखना पड़ेगा, क्योंकि मिशन आ गया है 2023 का, जो कि आपको मेरे साथ अपनी जीत हासिल करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा स्ट्रेटजी है। तो पहले आप लोग ये बताओ कि आप लोग की जो तैयारियां हैं वो कैसी चल रही है, तो कमेंट करके बताओ अच्छी चल रही है या कुछ सुधार की जरूरत है, या फिर आप डिप्रेशन में हो, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के मैंने देखे हैं कुछ जो सिंबल आ रहे हैं अभी एग्जाम्स में बच्चों के, तो आते हैं कुछ क्या कि कुछ कर रहे हैं फुल सिलेबस की तैयारी, तो कुछ कर रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर की तैयारी कि कौन से इंपॉर्टेंट, भगवान प्लीज ये चैप्टर फंस जाए, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर की तैयारी कुछ लोग कर रहे हैं। तो कुछ कर रहे हैं क्या कि भाई साइड हेडिंग मैं देख लेता हूँ, आगे अपने मन से लिख लूंगा, क्योंकि ये सब तो करते ही है कुछ लोग, है ना। और कुछ क्या कर रहे हैं, भगवान से प्रे, भगवान प्लीज ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जा रहा हूँ, ये वाला ला देना, भगवान प्लीज पास कर देना, मेरे को पास कर देना। तो ये सिचुएशन है ना अभी चल रही है, ये कब चलता है पता है, जब आप प्लानिंग नहीं करते हो। इसीलिए पहले आप एक स्ट्रेटेजी वो करोगे, अपनी प्लानिंग बनाओगे, नहीं तो आपकी स्थिति कुछ ऐसी ही होने वाली है। तो भगवान से प्रेयर करो कि आपको थोड़ी सद्बुद्धि दे दे, और ये प्रेयर कर लो कि भाई जो आप पढ़ रहे हो वो मेहनत से पढ़ो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, और 70 में 70 अंक या अच्छे अंक सारे सब्जेक्ट में लाते जाओ। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं एग्जाम पे। हमारे छत्तीसगढ़ बच्चे वैसे भी होशियार है, होनहार है, और आप मेरे साथ पढ़ के और भी ज्यादा होशियार और टैलेंटेड बन सकते हैं। तो चलिए भाई हम भी करते हैं अपने कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान की तैयारी को। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड, आर यू रेडी फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, तो मेरे साथ आप कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो यूनिट फर्स्ट जो हमने अभी तक पढ़ा है, यूनिट फर्स्ट में जो तीन अंक के जो प्रश्न जो है आने वाले, कौन कौन से आने वाले हैं। अभी तक हमने एक की बात कर ली यूनिट फर्स्ट, दो अंकों की बात कर ली, आज हम देखने वाले हैं तीन अंकों के बारे में कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो आ चुके हैं उसको भी मैं बताने वाली हूं, ठीक है, पूरा डिटेल नहीं बताने वाली हूं, याद रखिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास उतना समय नहीं है, क्वेश्चन भी ज्यादा है, लेक्चर भी लंबा हो जाएगा, तो आपको मजा नहीं आएगा, तो हम कम कम करके बताएंगे। लेकिन इसके आगे का आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको वहां पर बता दूंगी। ठीक, चलिए चारों यूनिट, आपके एक यूनिट के चार जो चैप्टर है उससे हम बात करने वाले हैं तीन अंक के प्रश्न में। तो पहला जो हमारा प्रश्न है बच्चों वो है क्या, पराकण का चित्र बनाते हुए निम्नलिखित को निमांकित कीजिए। अब आया है कब, अरे बबुआ जी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जब मैं 2017-18 के प्रश्न देखती थी तो एक में आया था हृदय की संरचना, अरे भाई साहब हृदय की संरचना क्यों पूछना, ये तो 11वीं का टॉपिक है ना, तो वो 12वीं में पूछ दिया है। तो अब हम लोग जो हमारी जो तैयारी हो रही है वो 19, 20, 21, 22 के हिसाब से हम करना है, क्योंकि हमने जब देखा कि 17-18 में तो पूरे अनवांटेड क्वेश्चन आ गया, बकवास, कैसे हृदय की संरचना, भाई क्यों पूछना हृदय की संरचना। और एक आया है क्या उत्सर्जन तंत्र के बारे, इसमें है ही नहीं तो क्यों पूछना, पता नहीं कभी कभी सीजी बोर्ड वाले कैसे करते हैं मुझे नहीं समझ आता, कुछ भी पूछ देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो तैयारी करना है इस साल के सिचुएशन में, क्योंकि 20, 21, 22 में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि हमने 5 साल के एनालिसिस या 10 साल के एनालिसिस किया हुआ है, क्वेश्चन 5 साल को भी देखा, पिछले और कुछ और सालों के लिए हमने क्वेश्चन देखा, तो थोड़ा सा सिमिलरिटी दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए यहां पर पूछा गया प्रश्न है, मैंने पहले ही कहा जो पूछा वही बताओ, उससे ज्यादा नको बताओ, ठीक है। तो यहां पर पूछा क्या, चित्र बनाइए और नामांकित कर दो, तो भाई साहब चित्र बनाओ और नाम लिखो खत्म, ठीक है, चित्र बनाओ नाम लिखो खत्म। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, इसी को अथवा में अगर पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा,
देखिए प्रश्न दोनों को समझना ध्यान से, ठीक है। प्रश्न दोनों इसलिए समझने की जरूरत है, यहां पर पूछा क्या, नामांकित कीजिए, इसके आगे कुछ लिखा है क्या, नहीं। उसने बोल दिया भाई नामांकित करो, तो नामांकित करो, डायग्राम बना के नाम लिखो, बस खत्म, ठीक है। तो यहां पर पूछ दिया नामांकित कीजिए, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं बदल दूं, बेटा ध्यान देना, बदलोगे तो कैसे आएगा क्वेश्चन, क्या बोल देगा कि भाई आरेख तो बनाना है, डायग्राम तो बनाना बोला ही है, लेकिन इसके साथ ही क्या बोल दिया कि तीन नाम दे दिया, उसका कार्य लिख दो। यहां पर क्वेश्चन चेंज, वहां पर उसने क्या कहा, उसने कहा कि नामांकित करें, डायग्राम बनाओ और नामांकित कर दो, लेकिन यहां पर चेंज हो गया। तो प्रश्न दोनों इक्वल हो गए, लेकिन क्राइटेरिया इसमें यहाँ चेंज हो गया है, मतलब यहाँ पर पूछा कुछ है, यहाँ पूछा कुछ और है। तो आंसर इसका कैसे देना है, देखो तीसरा एक और प्रश्न बना है, सिर्फ नामांकन कीजिए, डायग्राम बनाओ और नाम लिखो, दैट्स इट, आपके तीन नंबर कहीं नहीं गए हैं बेटा। अब इसके आंसर में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, देखो एक में प्रश्न क्या पूछा, नामांकित कीजिए, तो हम क्या बनाएंगे, इसका एक डायग्राम बना देंगे, भाई ये पराकरण का संरचना हो गया, देखो कैसे करोगे आप लोग, ठीक है। तो यहां पर एक हम पेज ऐड कर देते हैं और यहां पर हम एक डायग्राम बनाएंगे और सिर्फ उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। ध्यान देना मैं क्या कर रही हूं, एक तो हमने क्या किया कि भाई साहब यहां पर हमने एक पराकरण का डायग्राम बना दिया, चलो भाई आपको डायग्राम हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, बना दिए, ठीक है। तो परागकण का जो ये आउटर लेयर हो गया, और एक तरफ हम बना देते हैं क्या, यहां पर ऐसा एक इनर लेयर, ठीक है, ये हमने क्या किया, इनर लेयर भी हमने बना दिया, चले कोई दिक्कत नहीं। अब पराग कण में हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में हम नामांकित कर देंगे कि भाई ये बाहर का लेयर है और बाहर का आवरण, पराग कण जो होता है नर युग्मक होता है, पता है कि नहीं पता, याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में सारी चीजें बताई है, रिपीट नहीं करूंगी। तो पराग कण जो होता है क्या होता है, नर युग्मक होता है, ध्यान देना, नर युग्मक, कोदभित की पहली अवस्था नर युग्मक है, यानी कि नर युग्मक मतलब समझ गए ना, हैप्लॉइड, यानी कि ये कैसा है, एन है, ठीक है, ध्यान देना, नर युग्मक है पराग कण, ठीक है। अब नर युग्मक हो गया ये पराग कण, तो नर युग्मक पराग कण, मैच्योर पराग कण की संरचना कैसी है, तो यहां पर आप लिखोगे जो पूछा उसकी बता रही हूं, लेकिन समझ लो इसको क्या है अगर पूछ दिया तो, ठीक है। तो आप बताओगे पराग कण दो झिल्लियों से घिरी हुई संरचना होती है, बाहर का जो संरचना है उसको हम बाह्य चोल कहते हैं, एक्साइन कहते हैं, अंदर के भाग को हम क्या कहते हैं, एंटाइन, अंतः चोल कहते हैं, अंतः चोल, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, एक्साइन एंटाइन, ठीक है, बाह्य चोल अंतः चोल। अब इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर होता है एन, यानी कि नर युग्मक ये पूरा कंप्लीट है, बाह्य चोल पूछा गया प्रश्न है, याद करो, याद करो पिछले लेक्चर में क्या बताया था मैंने, बाह्य चोल किससे मिलकर बना होता है, याद करो, स्पोरोपोलिनिन, याद है कि नहीं, कमेंट करो भाई याद है तो, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि बाह्य चोल जो होता है प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो कि स्पोरोपोलिनिन से मिलकर ये बना होता है, इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है, एक नंबर का भी क्वेश्चन आता है, दो नंबर का भी पूछ देता है, ठीक है। तो बाह्य चोल स्पोरोपोलिन से मिलकर बना होता है, जो उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। अंतः चोल पेक्टोसेल्युलोज, याद आया मैं बताई थी, पेक्टोसेल्युलोज, ठीक है, इससे मिलकर ये बना होता है, ठीक है। फिर अंदर में आपका क्या होता है, एक वृद्धि केंद्रक होता है, एक क्या होता है, वृद्धि केंद्रक होता है, ये हमने बना दिया वृद्धि केंद्रक, और एक क्या होता है, जनन केंद्रक, ये हो गया हमारा क्या, जनन केंद्रक, ठीक है, वृद्धि केंद्रक और जनन केंद्रक, और वृद्धि केंद्रक और जनन केंद्रक है तो सीधी सीधी बात है, वो कोशिका द्रव्य को क्या करती है, अब्सॉर्ब कर लेती है और एक कोशिका का निर्माण करती है, ये है आपका क्या, जनन केंद्रक, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका क्या, वृद्धि केंद्रक है, तो ये एक कोशिका बन गई, तो ये क्या कोशिका बन गई, वृद्धि कोशिका, तो आप लिख सकते हो यहीं पर कि वृद्धि कोशिका, ठीक है,
वर्धि कोशिका, ठीक है, और वर्धि कोशिका के अंदर वर्धि केंद्रक ही होता है, ठीक। तो यहाँ पर एक जनन केंद्रक यानी कि जनन कोशिका और यह है वर्धि केंद्रक। तो इतना चीज आपको जो पूछा है उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर एक चीज और, ये जो साइड जो दिख रहा है, क्योंकि बाह्य चोल जो होता है बच्चों, बाह्य चोल जो होता है पूरे में मतलब पूरे में नहीं रहता, ठीक है, मतलब पूरे में जुड़ा नहीं रहेगा, कहीं कहीं पर ये छूट जाता है, वहां पर बना देता है क्या, वहां पर आपके बन जाता है एक क्वेश्चन। यहीं पर देखते जाइए क्वेश्चन और क्या लिखा है उसको मैं बताती हूँ, याद रखेंगे जर्म पोर, ठीक है, जनन छिद्र, जनन छिद्र, जनन पोर, ठीक है। तो यहां पर याद रखोगे जो डायग्राम की मैं बात करी थी, पूरे में अनावरित नहीं होता बाह्य चोल, जिसको हम कहते हैं क्या, जनन छिद्र, ठीक है। और जनन छिद्र से ही आपके पॉलेन ट्यूब, पराग नलिका निकलती है, लेकिन कहां से, अंतःचोल, अंतःचोल अंदर में होता है, ठीक है, अंतःचोल से जनन छिद्र जो बाहर निकलेगा और पराग नलिका बना देता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आपको जो पूछा उतना ही करना है, इसके आगे और कुछ नहीं करना है, उतना चीज को ध्यान देना, ठीक है। ये फटाफट रिवीजन चल रहा है, ध्यान देना, पूरा डिटेल अभी मैं नहीं जाऊंगी, अगर डिटेल चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा मेरे पास, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन जो पूछा था ये हो गया नामांकित कीजिए, ठीक है, नामांकित कीजिए, एक तो बाह्य चोल पूछ दिया और एक तो जनन क्षेत्र, वर्धि केंद्रक, वर्धि जनन केंद्रक और जनन कोशिका के बारे में, ठीक। अब यहां पर प्रश्न को थोड़ा सा देखते हैं हम, कि यहाँ पर पूछा क्या है कि बाह्य चोल, जनन क्षेत्र, जनन कोशिका के कार्य बताओ। तो भाई साहब यहाँ पर जो पूछा कर देते हैं, ठीक। तो अब कार्य देखो क्या लिखा है यहाँ पर, देखो बाह्य आवरण क्या करता है, बाह्य चोल यानी कि एक्साइन, यहां पर ध्यान देना आप लोग कि बाह्य चोल क्या करता है, इसके कार्य पूछा है यहां प्रश्न में, सिर्फ कार्य पूछा तो कार्य लिखेंगे हम लोग। तो यहां पूछा बाह्य आवरण सुरक्षा कवच के रूप में क्या करता है, कार्य करता है, क्यों करता है, क्योंकि वो स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बना होता है और वो ताप, दाद, अम्ल, क्षार, पीएच से क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुरक्षा कवच कहते हैं, ठीक है। तो बाह्य आवरण सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, उतना लिखना बस, ठीक है। यह कठोर होता है और खुरदुरा होता है, ये लिख सकते हैं इसके कार्य है। आगे लिखोगे और स्पोरोपोलिनिन चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो, वो ज्यादा अच्छा इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट है जनन छिद्र के बारे में, ठीक है। तो बाह्य चोल के कुछ स्थानों पर पतला होता है यानी कि छूटा रहता है, आप देखोगे तो वहीं से क्या निकलता, उसी को हम लोग बोल देते हैं जनन छिद्र, ठीक है, जो कि अभी डायग्राम में मैंने बताया आप लोगों को। नेक्स्ट जो है देखो पराग नलिका बाहर निकलती है, जस्ट मैंने बताया डायग्राम से, जनन यानी कि जनरेटिव सेल या जनरेटिव कोशिका हम कहते हैं जिसको, वो क्या करता है। तो याद रखेंगे जनन केंद्र के चारों ओर कुछ कोशिका द्रव एकत्रित हो जाएगी और क्या बनाएगी, कोशिका का निर्माण करती है, इसी को तो कोशिका बोलते हैं ना भाई, जनन केंद्र के अंदर में था, कोशिका द्रव्य को एकत्रित कर लिया और क्या बनाई, जनन कोशिका बना ली, ठीक है। और जो पराग नलिका में जाकर जैसे ही पोलन ट्यूब में जाता है, ध्यान देना यहां पर एक डायग्राम बना देती हूं मैं, जैसे ही देखो ये आपका क्या था, एक जैसे ये बीजांड हमने ऐसे अच्छे से बना देती हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और ऐसे समझ सो, अरे ये क्या गया, चलो यहां पर ध्यान दे रहा हूं, जैसे यहां पर हम एक डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर से जो हमारा पराग कण है, जब पराग कण वर्तिकाग्र में जाता है तो हमको पता है पराग कण जब वर्तिकाग्र में जाएगा पराग कण, तो पोलन ट्यूब, मैंने बताया ना पोलन ट्यूब, यहां पर ये जो पराग कण है जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा वहां से पोलन ट्यूब बना देता है, ठीक है। तो पोलन ट्यूब जो बनता है यहां पर हम देखते हैं, देखो ये जैसे पोलन ट्यूब बनाया, तो पोलन ट्यूब में ही जो जनन केंद्रक होता है ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे मान लो जाए इसके अंदर हम क्या बना देते हैं, ये डायग्राम ये ज्यादा अच्छा है, इसके अंदर क्या है अभी नर युग्म, मतलब अभी इसके अंदर क्या है जनन केंद्रक, ठीक है,
अभी मैंने बताया ना परागकण के अंदर जनन केंद्रक होता है, जैसे ही पराग नलिका जो है बनती है वर्तिकाग्र पर जाकर, वैसे ही जनन केंद्रक दो भागों में डिवाइड हो जाता है, तो दो नर युग्मक बना देता है, दो नर युग्मक बना देता है। याद होगा आप लोगों को, आप पढ़े हुए हो, आप पूरा साल भर वही किए हो पढ़े हुए, सिर्फ रिवाइज चल रहा है, तो फट आप लोग समझते जाओगे। डिटेल चाहिए तो कमेंट, मैं फिर से कह रही हूँ कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो दो नर युग्मक बना देता है, तो वही कह रहा है भाई आपके क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखो, पराग नलिका में जाकर दो नर युग्मकों में बढ़ जाता है और निषेचन कार्य जो है बीजांड यानी कि ओव्यूल में संपन्न होता है, ठीक। तो इतना आपको लिखना है और खत्म कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो आता है वो है क्या, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। मैं कल बताई थी तो ज्यादा डीप में अब नहीं घुसने वाली हूं मैं, क्योंकि मैंने कल भी बताया दो नंबर के क्वेश्चन में और यही तीन नंबर के क्वेश्चन में देखा अंतर। जो कल हमने पढ़ा था सेम इसमें भी आपको लिखना है, सिर्फ अंतर आपको लिखना है। अब एक चीज और, मैं यहां पर कुछ डिफेक्ट कर दी हूं, क्या करी हूं आप लोग मुझे कमेंट करेंगे मैं यहां क्या गलत करी हूं। तो एक चीज आपको याद रखना, मैं क्यों गलत करी हूं आप लोगों को दिखाने के लिए ही कि भाई साहब आप पेपर में ऐसा ही लिखते हो, मुझे यही तो आपको दिखाना था कि आपको पेपर में ऐसा नहीं लिखना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं अगर अंतर पूछा है पेपर में, क्या पूछा है, स्वपरागण परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए पूछा है, तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगी भाई स्वपरागण का पहले लिख दूं और परपरागण का ऐसे इसके नीचे लिख दूं, क्योंकि मैंने यहां पर वही गलती आपके लिए दिखाई है कि लोग ऐसा ही कर रहे हो तुम लोग, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको एक बॉक्स बकायदा बना करके दोनों का इस तरीके से अरेंज करके एक तरफ स्वपरागण लिखोगे, ठीक है, एक तरफ स्वपरागण लिखोगे और एक तरफ परपरागण लिखोगे, ऐसा पेपर में बनाओगे और उसके बाद पूछा मान लो जाए क्वेश्चन में देता है अंतर स्पष्ट, तो तब तो ठीक है, लेकिन आता है कितने नंबर का है, तीन अंक का। तो भाई तीन अंक पाने के लिए आपको तीन अंतर इनफ है, इनफ है तीन नंबर, ठीक है ना। तो तीन अंक लाना है तो तीन अंतर लिखो, दैट्स इट, खत्म करो। इसके आगे आपको महाभारत पोथा पुराण नहीं लिखना है, खत्म कर सकते हो यहां पर, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो आप लोग। तो यहां पर मैं आपको चार अंतर बता रही हूं, मान लो जाए ये आपको याद ना रहा तो की बात हो रही है, आपको चार तो याद रहेंगे, एटलीस्ट तीन तो लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे स्वपरागण में क्या क्या चीजें होती है, हमने कल पढ़ा था क्या होता है स्वपरागण, रिपीट नहीं कर रही हूं। एक ही पौधे के नर और मादा पुष्पों के बीच होता है, हमको पता है, एक ही स्वपरागण क्या है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है, पराग कोशे परागकण उसी पौधे के या तो दूसरे पुष्प पर या तो उसी पौधे के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण। तो उसी पुष्पों के बीच होता है, एक तो ये था इसका अंतर, ठीक है, जबकि हम परपरागण में क्या पढ़े थे, दो पुष्पों के बीच होता है, एक ही जाति के दो पुष्पों के बीच यदि होता है आपके क्रॉस जो होता है परागण की प्रक्रिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परपरागण कहते हैं, ठीक है, वो लिखोगे आप लोग पेपर। नेक्स्ट क्या है, इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक है, एक ही लिंग नहीं चाहिए भाई, मादा ही मादा को तो नहीं कर सकती ना निषेचन, तो इसके लिए क्या चाहिए, दो लिंग चाहिए, लेकिन हमको पता है परपरागण में क्या होता है, दो अलग अलग पुष्प है, दो अलग अलग जाति, मतलब एक ही जाति के दो अलग अलग पौधा है, तो सीधी सीधी बात है निषेचन की प्रक्रिया भी कैसी होगी, वहां पर द्विलिंगी ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्वपरागण के लिए पौधों का आकर्षक बड़ा सुंदर होता है, मतलब पौधे कैसे होने चाहिए, देखो यहां पर ध्यान रखना, स्वपरागण के लिए पौधों का आकर्षक सुंदर होना होता है, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, होना होता है, ठीक, आगे देखेंगे। इसके लिए कम परागकणों की क्या होगी, आवश्यकता होती है, हमको ज्यादा परागण नहीं चाहिए, उसी बीज का तो है ना, उसी पौधे का फट से गिर जाना है, इसलिए इतना लिखो, दैट्स इट करोगे, ठीक है। अगर मैं उसी तरह इसकी बात करूं पर परागण में, तो क्या लिखोगे, सीधे जस्ट अपोजिट कर दो कि दो पौधे नर और मादा युग्मक पुष्पों के बीच होता है, यानी कि दो अलग अलग प्लांट होंगे। नेक्स्ट क्या है, इसके लिए पौधे का द्विलिंग होना आवश्यक है, ऐसा ही नहीं कि उसमें भी मादा है इसमें भी मादा है तो दोनों में जा रहा है, नहीं, एक अगर मादा है तो एक क्या होगा, नर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि निषेचन कैसे होता है, दो विपरीत लिंग के बीच होता है, ठीक है, दो विपरीत यानी कि अपोजिट सेक्स
मतलब सेक्सुअल ऑर्गन होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके लिए पौधे का आकर्षक, सुंदर और मकरंद होना चाहिए। ऐसी ना वायु, ऐसी जो तितली है या फिर कोई कीट है वो आकर्षित होकर कैसे परागकण को ले जाएगी, उसके लिए खूबसूरत फूल तो भी चाहिए ना, ऐसे ही तो नहीं जा सकता। तो फूल के खूबसूरत होने से क्या होता है, हम आकर्षित होते हैं भाई, किसी को देख करके जो स्मार्ट दिखता है हम कैसे उसके पीछे भागते हैं, ये लड़की इतनी सुंदर है, ये लड़का इतने स्मार्ट दिख रहा है, इसको पटाती हूँ, कुछ करते ना ऐसा होता है ना, क्योंकि आजकल के तो ऐसे ही हो गए बच्चे तुम लोग, है ना, बदमाश। तो ऐसा होना चाहिए सुंदर खूबसूरत सा। नेक्स्ट क्या है, इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, परागकण ज्यादा चाहिए, क्योंकि हर परागकण को कीट या वायु से या जल के माध्यम से हम नहीं पहुंचा सकते हैं, तो इसके लिए परागकणों की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस था और आपको लिखना है पेपर में, बॉक्स बना के लिखना है, 3 अंक आपके कहीं नहीं गए हैं, लिख के ले लो, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपका, एक प्रारूपिक भ्रूण कोश की रचना या नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों का क्या लिखा, ध्यान देना, भागों का एक प्रमुख कार्य लिखिए, ये दे दिया। नेक्स्ट क्या दिया है, जैसे आप कौन कौन से नाम दे दिए उसके कार्य लिखा है, अंडकोशिका, प्रतिध्रुव कोशिका, सहायक कोशिका, 3 नाम दे दिए। कब आया है बच्चे, ये आया 2021 में, ABC तीनों सेट में आया, मतलब हमारे लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान देना भाई, थोड़ा सा पेपर आ रहा है नजदीक और क्वेश्चन को एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान देंगे। यही क्वेश्चन 8वें में भी आया, एक तो पूछा क्या, भ्रूणकोश की रचना का नामांकित यानी कि डायग्राम बनाओ, नाम को लिखो और इस तीनों का कार्य लिखो, दैट्स इट। देन ये क्या है, भ्रूणकोश की चित्र बनाओ और क्या लिखा है, नामांकित करो, मतलब इसके नाम को लिखो और खत्म करो, नामांकित करो, ना कि कार्य लिखो, ऐसा नहीं लिखा इसमें कार्य, और सेम पहले वाला क्वेश्चन। अब यहां पर थोड़ा हम इधर आते हैं हमारे डायग्राम में, अब ये क्या है भाई, एक भ्रूणकोश की संरचना है, डायग्राम आपको ऐसे ही पूरा बनाना पड़ेगा, ये आपने पूरा भ्रूणकोश इस तरीके से बनाना ही पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। और क्या करना है आपको, ध्यान देना, भ्रूणकोश बताने के बाद ये डायग्राम आप बनाओगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका नाम को अंकित करो, तो आपको आपको याद है, आप लिखते जाओ भाई, कमेंट करते जाओ क्या क्या नाम है, बताओ ये क्या है, क्या है भाई ये क्या है, नाम बताओ आप, कमेंट करते जाओ मेरे साथ। ये है आपका प्रतिमुख, प्रतिमुख कोशिका है, ठीक है, प्रतिमुख कोशिका। और ये क्या है आपका, अच्छा प्रतिमुख कोशिका तो लिख दी मैडम, लेकिन प्रतिमुख कोशिका किधर है ये भी बता दो, ये साइट क्या होता है, निभाग साइट, ठीक है। हालांकि ये पूछा नहीं है लेकिन आपको सुन लो ध्यान से, ये भ्रूणकोश की संरचना है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं बीजांड, बीजांड द्वार कहते हैं, माइक्रोपाइलर्स कहते हैं ना, ये बीजांड द्वार, ये क्या है, चलाजा है, यानी कि निभाग साइड है। यहां पर अगल बगल में दो जो कोशिका है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सहायक कोशिका कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, अंड कोशिका, ठीक है, ये क्या है आपका, एग सेल है, यानी कि हैप्लॉइड, यानी कि एन युग्मक, अंडकोशिका, ठीक। और अगल बगल में क्या है आपके, सहायक कोशिका, लिख दिए हमने सहायक कोशिका, ये बीच का पूछा है भाई साहब, लिख दो यहां पर, ये है आपका क्या, ध्रुवी, ध्रुवीय केंद्रक, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक, जो कि द्वितीयक होता है, पढ़े ही होगे आप लोग, दो जुड़ जाते हैं द्वितीयक केंद्रक, पता है कि नहीं पता, ये है ध्रुवीय केंद्रक, अंड कोशिका, सहायक कोशिका, बीजांड द्वार, प्रतिमुख कोशिका, वो निभाग साइड है, ये पूरा वैक्यूल है, ठीक है, केंद्र की वैक्यूल यानी कि रिक्तिका, केंद्र की रिक्तिका है पूरी। तो इतना आपको नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बकायदा से आप नाम लिख सकते हैं भाई साहब, यहाँ पर 3 प्रतिमुख कोशिका बना करके, यहाँ पर अगल बगल में अंड कोशिका बना करके, इसको अच्छे से और डायग्राम समझना है तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाओ, पूरा डिटेल बनाई हूँ, पूरा अच्छे से समझाई हूँ, अभी मेरे पास टाइम कम, आपके पास टाइम कम, फटाफट करना है मुझे, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और इस तरीके से द्वितीयक आपके ध्रुव को बनाना पड़ेगा, ठीक है, इतना करके आपको खत्म करना है, दैट्स इट। देन आपका जो पूछा है क्या, आपका एक पूछा उसके कार्य के बारे में, क्वेश्चन क्या आया,
जो पूछा वो लिखो, डायग्राम बनाने बोला डायग्राम बना दिया हमने, एक में क्या पूछा है उसके कार्य को भी लिखो, तो आप कार्य लिखो भाई पहला कार्य क्या दिया हुआ है, तो पहला कार्य दिया है क्या अंड कोशिका के बारे में पूछा है कि क्या है, इसी को तो हम लोग अभी क्या बोले थे मादा युग्मक बोले थे। देन दूसरा क्या है सहायक कोशिका, सहायक कोशिका क्या करता है उसको मार्गदर्शन देता है, यानी कि पराग नलिका का मार्गदर्शन करने वाला महत्वपूर्ण यही है सहायक कोशिका के बारे में, ज्यादा उसका कोई काम नहीं है ठीक है। और क्योंकि हमको पता है जब ये हम बीजांड बनाते हैं तो बीजांड में इस तरीके से जो होता है ना संरचना, तो जब पराग नलिका आती है यानी कि दो केंद्रक को पकड़ करके, तो ये क्या करता है ये सहायक कोशिका अगल बगल में होता है तो ये मार्गदर्शन करता है कि जाओ भाई आप अंड कोशिका के साथ फ्यूज करो निषेचन करो, तो ये मार्ग प्रदान करता है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है प्रतिध्रुव, यानी कि क्या है एंटीपोडल सेल, तो प्रतिध्रुव कोशिका क्या होता है इसका कार्य क्या है अंड कोशिका को पोषण प्रदान करना, क्योंकि ये लिपिड से भरपूर होता है। तो आई होप ये तीन जो हमने प्रश्न किया वो आप लोगों के दिमाग में एकदम अच्छे से आ गया होगा ठीक है। तो इसके आगे जो और टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये काफी लंबा हो जाने वाला है ठीक है। तो आगे मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आपको ये लिखने का पैटर्न इसके आगे और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं इसको पूरा डिटेल में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगी ठीक है। तो आगे से आप अच्छे से मेरे साथ पढ़ते रहिए जीव विज्ञान की तैयारी 70 में 70 अंक मेरे साथ। तो मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखेंगे अच्छे से और तैयारी करते रहेंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। आगे के लिए धन्यवाद।